क्योंकि डॉक्टर बरजिंदर सिंह हमदर्द एक वो इंसान ने जिन्हें हमेशा सच की गल की है। अगर अज अजिहे लोगों के नाल इस तरह का व्यवहार होएगा तो पंजाब का फिर आम जिहड़ा बसिंदा आम नागरिक है वह आपदे आप नूं महफूज नहीं समझ सकता। सारिया पार्टिया के लोग सारिया संस्थावां के लोग इत्थों तक कि संत महापुरश भी अज सड़कां ते आ के प्रेस दे लई क्योंकि प्रेस की आजादी ते वड्डा हमला तो ये सारे इत्थे इकट्ठे होए ने। अदारा जी दे जिहड़े अपना इश्तहार बंद किए साढ़े आड़े मन मर्जी ना खबरां लाओ वह हर किसी बर्दाश्त नहीं करांगे। अदारा जी जिहड़ा डट के विरोधता करदा मान सरकार दे उहदे धक्के दा जवाब देण वास्ते अज अहीं डीसी दफ्तर जाके मंग पत्र दे रहे हैं। तो जी भगवंत मान सरकार आ इहनूं बड़ा वड्डा अहुदा मिलिया है लोगों ने जताया है पर इन्हें अपने पंजाब का बेड़ा गर्क करके रख दिया है इस करके वो विरोध में अं अज उतरे सड़कों के उत्ते जिहड़ा खजाने चो पैसे लोगों की वैलफेयर लिए जाने रुजगार वास्ते जाने स्कीम जाने वो पैसा कढ के इश्तहारबाजी करके ये अपनी बल्ले बल्ले भगवंत मान जी करा रहे हैं। सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है HSN न्यूज़ राही। असं पहुँचे हाँ जी अज जलंधर के देश भगत यादगार हॉल के जिथे हज़ारा यहोजे प्रशंसक पहुँचे ने जोड़े कि समर्थक पहुँचे ने जो कि प्रेस की आज़ादी जी प्रेस की आज़ादी की दुरवरतों हो रही है। पंजाब दे विच एक बहुत वड्डा ग्रुप अजीत ग्रुप जिस दी मुख संपादक सरदार बरजिंदर सिंह हमदर्द दे उपर विजिलेंस वल्लों किते जा रहे जड़े हमले है उन्होंने रोकण वास्ते और प्रेस की आज़ादी रोकण वास्ते अज हज़ार लोग उन्होंने समर्थक विच आए ने। तुसी देख रहे हो पिछे तस्वीर लाइव कि किस तरह पंजाब के कोने कोने चो ये समर्थन देने वास्ते लोग इतने पहुँचे ने और इन्हों का कहना है कि पंजाब दे विच प्रेस की आज़ादी प्रेस ओ जो कि लोकतंत्र का पंजवा थंभ मनिया गया है और इस थंभ नूं तोड़न की कोशिश की जा रही है सेंधमारी करन की कोशिश की जा रही है मौजूदा सूबा सरकार वालों ते मौजूदा सूबा सरकार के खिलाफ जिहड़ा आ एक बहुत वड्डा रोश मार्च जिहड़ा अजीत अदारे वालों जिहड़ा आ कढ़ा गया एक बड़े वड्डे कट्ठ की कॉल की गई सी जिस दे कारण पंजाब दे हर जिले दे विचों इत्थे लोग पहुँचे ने। आओ विखाने तुहानूं कुछ लाइव तस्वीर कि कौन कौन कितों कितों इत्थे अजीत अखबार के समर्थन में पहुँचा है। पंजाब सरकार जड़ियां वधीकियां कर रही है अदारा अजीत दे खिलाफ उसनू लेके एक वड्डा रोश मार्च किया जा रहा जिस विच हर जिले तो पत्रकार हर कोने तो जड़े प्रेस दे नाल जुड़े लोग ने अजीत अदारा नू प्यार करन वाले लोग ने वो जड़े जुड़े ने वो अपना अपना समर्थन दे रहे ने इस वक्त और सरकार नू गुहार लगा रहे ने कि तुसी अपनियां वधीकियां बंद करो और प्रेस की आज़ादी जड़ी है वो बहाल करो। तुसी वेख रहे हो ये लाइव तस्वीर HSN न्यूज़ राही। सर की कहना चाहोगे आज दे इस रोज मुशायरे बारे? आज मैं समझा जो लोकतंत्र का चौथा थंब प्रेस है तो आज जो प्रेस ना अन्याय हो रहा धक्का हो रहा बेइंसाफी हो रही है ये उसके खिलाफ पंजाब सरकार की जो दमनकारी नीतियां के खिलाफ ये एक मार्च कढ़िया जा रहा है क्योंकि डॉक्टर बरजिंदर सिंह हमदर्द एक वो इंसान ने जिन्हें हमेशा सच की गल की है जिन्होंने हमेशा पंजाब पंजाबी पंजाबीयत की गल की है। अगर अज अजिहे लोगों के नाल इस तरह का व्यवहार होएगा तो पंजाब का फिर आम जिहड़ा बसिंदा आम नागरिक है वह आपदे आप नूं महफूज नहीं समझ सकता। इस करके अज तुसी देख रहे हो सारिया पार्टिया के लोग सारिया संस्थावां के लोग इत्थों तक कि संत महापुरश भी अज सड़कां ते आ के प्रेस दे लई क्योंकि प्रेस की आज़ादी ते वड्डा हमला तो ये सारे इत्थे इकट्ठे होए ने सारे सड़कों पर उतरे ने। देखो कितनी धुप है जून का महीना कोई परवाह नहीं कर रहा हर एक वो सच्चाई दे लई खड़ा हर पंजाबी पंजाबीयत दे लई वो सच दा पहरा देने लई खड़े ने। इस करके अज असी सारे सड़कों पर जा रहे हैं। मैं भी कृष्ण कुमार बावा मैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस का जनरल सैकटरी हाँ मैं पंजाब का चेयरमैन रहा इंडस्ट्री का अते होर भी सोशल संस्थावां ने साडियां पर वड्डी गल इह है कि इत्थे धक्का हो रहा है।
ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਬਾ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ HSN ਨਿਊਜ਼ ਰਾਹੀਂ HSN ਨਿਊਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਤੋ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਰ, ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਅਦਾਰਾ ਅਜੀਤ ਜਲੰਧਰ ਜੀ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕੇ ਸ਼ਾਇਕ ਆਈ ਆ ਅਦਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਲਾਓ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਦਾਰਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਧੱਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। HSN ਨਿਊਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਜ਼ੂਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। HSN ਨਿਊਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਔਰ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੱਡਾ ਹਜ਼ੂਮ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, 120 ਫੁੱਟ ਰੋਡ ਤੋਂ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨਰਸ ਫੜੇ, ਝੰਡੇ ਫੜੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਜੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਨਾ ਖਾਈਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਇਹ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਤਰੇ ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਅੱਜ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਢਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਸਰ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕੰਮ ਦਮਦਾਰ, ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦਮਦਾਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਜਾਣੇ ਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਮਿਸਗਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਆ, ਅੱਜ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਆ, ਅੱਜ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਦਮਦਾਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਦਮਦਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ।
HSN न्यूज राही तुसी देख रहे हो कि HSN पवन कुमार टीनू जी जिन्होंने साडे नाल गलबात की थी विशेष तौर पर। और एक बहुत वड्डा मैं फिर कहना चाहूँगी दोहराना चाहवागी कि पंजाब प्रेस की आज़ादी तो जो हमला होया अजीत अखबार के उपर जो विजिलेंस की जो सकंडा है उसनों कहा जा रहा है कि यह हटाया जाए और पंजाब प्रेस की जी आज़ादी है उसनों बहाल किया जाए। वेखते रहो होर कुछ लाइव तस्वीर। मैं रेखा कश्यप ते मेरे नाल कैमरामैन हर्ष की रिपोर्ट। तो अज जिहड़ा प्रेस अजीत ते पंजाब की सरकार वालों हमला किया जा रहा जिस ढंग नाल हमला किया जा रहा प्रेस की आज़ादी का गल घुटिया जा रहा उहदे खिलाफ जिथे बाकी सारे पंजाब चो लोग जलंधर जिले चो लोग आए आ साडी दिहाती मजदूर सभा भी उन्हां दे नाल मोढे नाल मोढा जोड़ के प्रेस की आज़ादी के हक च खड़ी आ। असी ये गल कहने कि पंजाब की सरकार प्रेस की आज़ादी के हमले बंद करे। जे अज हमला अजीत ते कीता आ कल नूं बाकी अखबारों ते बाकी प्रेस की आज़ादी ते भी हमला किया जाएगा। इस करके प्रेस जिहड़ा चौथा थम आ मीडिया जिन्हें लोगों दीआं मुश्किलां मुद्दे उभारने हुंदे आ वो मुश्किलां मुद्दे उभारन वाली जिहड़ी प्रेस आ जे उहनूं दबा के आपदा गोदी मीडिया बनाउणा चाहुंदा आ ते उहदे खिलाफ लड़ाई जिहड़ी आ इह लड़ी जाएगी। इह भगवंत मान दे जिहड़े सुपने वह पंजाब दे लोग पूरे नहीं होण दे। असी पंजाब दे मजदूर गरीब लोग डट के जड़े आ उन्हां दे नाल खड़े हाँ प्रेस की आज़ादी लई खड़े हाँ असी। पर अफसोस की गल ये आ कि जो कुछ भगवंत मान कह रहा कि मैं बड़ा लोगों का मदई हाँ लोगों का हमदर्द हाँ और लगातार झूठ बोलिया जा रहा। पंजाब मजदूरां नाल 8 मीटिंगां रख के उहदे तों मुकर गया डरदा आ दौड़ जांदा आ उहदे मन च जिहड़ा गरीब विरोधी मजदूर विरोधी कीला फसिया होया। असीं पंजाब दे मजदूर पंजाब दे किसान पंजाब दे लोग उहदे ओह कीला कढांगे उहदा हंकारी सुभाअ जिहड़ा उहनूं तोड़ांगे और लोकां दी जिहड़ी ओह राखी करांगे प्रेस दी राखी करांगे प्रेस दी आज़ादी लई जिथे भी किते लड़ाई लड़ांगे लड़नी होई उत्थे डट के मोरलियां कतारां च अगे जा के लड़ाई लड़ांगे। धन्नवाद बहुत बहुत शुक्रिया जी। सो इस तरह ही HSN न्यूज़ राही तुहानू असी कुछ तस्वीरां जिहड़ियां सामने कर रहे हैं दिखा रहे हैं कि किस तरह अज वड्डा हजूम जिहड़ा जलंधर दीआं सड़कां ते वेखण नूं मिल रहा है। हर तरफ जिहड़ा लोग अपने घरां चों बाहर आ चुके ने सड़कां ते आ चुके ने कि पंजाब पंजाबीयत और पंजाबी नूं जिंदा रखना जिहड़ा है वह बहुत जरूरी है। प्रेस की आज़ादी नूं लैके चल रहा यह वड्डा रोस मार्च जिहड़ा कि देशभगत यादगार हॉल तो चलिया और नामदेव चौंक फिर अलास्का चौंक अजीत वालों हुंदा होया डिप्टी कमिश्नर जलंधर दे दफ्तर दे कोल पहुँच चुकिया और अंदर जिहड़ा मेमोरेंडम जिहड़ा है वह डॉक्टर बरजिंदर सिंह हमदर्द वालों जिहड़ा है वह दिता जा रहा है। और प्रेस की आज़ादी और जिहड़ियां कि अजीत अखबार दे नाल वधीकियां या विजिलेंस वालों जो उन्होंने उपर दोष लगाए जा रहे हैं उन्होंने वापस किया जाए और प्रेस की आज़ादी जिहड़ी है वह बहाल की जाए। पंजाब की सूबा सरकार नूं ये मंग करता होया वड्डा रोस प्रदर्शन जिहड़ा आ वह इत्थे पहुँच चुका है। और तुसी देखिया अज ये लाइव तस्वीर जो कि HSN न्यूज़ की टीम वालों तुहाडे तक पहुँचाइया गई। तो इस तरह दीआं होर बहुत सारिया खबरां लाइव अपडेट्स तुहाडे तक पहुँचाते रहेंगे। मैं रेखा कश्यप ते मेरे नाल कैमरामैन हर्ष की रिपोर्ट। धन्यवाद।